और हमारी कोशिश ये थी ये वापस चालू हो। ये दवा निर्माता किसी 2016 में बंद हो गई थी, इसको वापस चालू करने के लिए हमने भारत सरकार के जो शेयर थे उन शेयर का पैसा हम देने को तैयार है, वो पैसा हम दे रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने उसको वापस राज्य सरकार को दे दिया। अब दवाइयों का निर्माण राज्य सरकार करेगी, उसको वापस शुरू करेंगे और निश्चित रूप से काफ़ी लोगों को उससे रोजगारी मिलेगा। हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी वो किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी, वो वापस चालू होगी तो राजस्थान में निश्चित रूप से दवाइयों में जो महंगाई है उस पर भी कुछ कंट्रोल होगा और हमारी अच्छी दवाइयाँ बनेगी। अच्छा उससे लोगों को मैसेज जाएगा, जो भी चाहे वो दवाइयाँ वहाँ पर बनाएंगे, निश्चित रूप से सस्ती भी होगी, अच्छी भी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, राजस्थान के लोगों को उसको फायदा। सर, निःशुल्क दवा योजना जो है उसके लिहाज से देखें तो कितनी कारगर होगी ये कंपनी वापस से फर्म शुरू होती है? कंपनी दवाइयाँ खरीदते उसका पैसा भी सरकार दे रही है, इसको भी उसी तरह हम पैसा देंगे, निर्माण करेगी दवाइयों का। जब दूसरी जगह से हम खरीद रहे हैं तो हमारी कंपनी की अच्छी दवाइयाँ खरीदने में हमको क्या परहेज थोड़ी रहेगा, इसको भी पैसा देंगे, पर हमारी एक खुद की कंपनी की बनाई हुई दवाइयाँ जिस पर एक तरह से गारंटी होती है, जिस पर एक तरह से अच्छी क्वालिटी होती है, बेहतर दवाइयाँ बनाने के लिए बहुत बड़ा किन्हीं कारणों से 2016 बंद हो गई, इसको वापस शुरू करने के लिए कैबिनेट ने कल इसको वापस शुरू करने की परमिशन। सर, आए दिन प्राइवेट फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयाँ होती हैं उनके नमूने फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में जब गवर्नमेंट की खुद की अपनी ड्रग कंपनी रहेगी तो ऐसे में किस तरह से उम्मीद रहेगी कि फार्मेसील जो परचेज करता है वो एक भी दवाई का नमूना फेल नहीं है, पूरी जांच पर के बाद ही दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, फिर उसकी सप्लाई की जाती है, एक भी दवाई का कोई नमूना अब तक फेल नहीं हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से जो भी दवाइयाँ खरीद रहे हैं काफ़ी जांच के बाद काफ़ी एक्सपर्ट हमारे जो हैं उनके माध्यम से खरीदी जा रही है, इसलिए एक भी नमूना फेल होने की आज तक शिकायत नहीं। अभी हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय किया गया है, राजस्थान प्राइवेट फार्मास्यूटिकल को चालू करके फार्मास्यूटिकल में अच्छा निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, जिससे क्या गवर्नमेंट अन्य कंपनियों पर निर्भरता रहती है, दवाइयों को लेकर उससे निर्भरता नहीं रहेगी, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग करके जीवन मरीज अपने और दवाइयों का मतलब बना पाएगी और इससे मरीज को अच्छा लाभ मिलेगा। लगभग मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना में 2000 दवाइयाँ अभी फ्री है, इससे फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट में हमारे उनको भी लाभ मिलेगा, उनको भी रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, इसलिए मैं राजस्थान गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने आरडीपीएल को चालू करके फार्मासिस्ट इतने अच्छा निर्णय लिया।